हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत उत्तर भारत का इतिहास ये पूरा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने त्रिपक्षीय संघर्ष देखा था। ओके, आज के क्लास में हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास ये आज मैं स्टार्ट करूँगा, है ना। तो क्या त्रिपक्षीय संघर्ष होने के पश्चात दक्षिण भारत में नए राजवंशों का उदय हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। जब से हम लोग वैदिक काल स्टार्ट किए, है ना, यानी कि भारत देश में जब से वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है, उसी समय दक्षिण भारत में कुछ नए राजवंशों का अभ्युदय होता है। तो जब हम उत्तर भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे, तो क्या एक साथ हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास को भी उसी समय कवर कर सकते थे क्या? नहीं। इसलिए सबसे पहले हम एक पार्ट के इतिहास को देखे, उसके बाद हम आए किसमें, अब दक्षिण भारत के इतिहास में। तो दक्षिण भारत का इतिहास प्रारंभ कहाँ से होता है ना। तो सबसे पहले हम थोड़ा फ्लैशबैक पे चलते हैं। स्टार्ट किए थे हमने कहाँ से भारत का इतिहास, तो पाषाण काल से। तो पाषाण काल में भी दक्षिण भारत से कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे बताया था मैंने तमिलनाडु के पल्लवरम में। ओके, तो पाषाण काल के बाद हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता, भारत की पहली सभ्यता। ओके, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का विस्तार, है ना, यानी प्रसार दक्षिण भारत में नहीं हुआ था। तो उस समय दक्षिण भारत के कोई भी लिखित साक्ष्य हमको नहीं मिलते। क्लियर है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमने देखा किसको, वैदिक काल को। तो वैदिक काल में कुछ ऐसे हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं जिनमें दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रीय राजवंशों का वर्णन मिलता है, उसी को आज हम लोग देखेंगे। क्लियर। वैदिक काल के बाद हम लोग आते हैं किसमें, महाजनपद काल पे। तो महाजनपद काल में भी दक्षिण भारत का कुछ खास लिखित साक्ष्य हमको नहीं मिलता है, सही तरीके से कोई सटीक जानकारी हमको नहीं मिलती महाजनपद काल में। ओके, महाजनपद काल में ही, महाजनपद काल के बाद हमने देखा क्या, मगध साम्राज्य, उसी के अंतर्गत आया। तो मगध साम्राज्य में हमने सबसे पहले देखा किसको, हर्यक, फिर शिशुनाग, फिर नंद, और उसके बाद किसको, मौर्य को। तो मौर्यों के समय में सम्राट अशोक, है ना, सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी दक्षिण भारत के राजवंशों का उल्लेख मिलता है। क्लियर है। इसका मतलब यह है कि जब उत्तर भारत में मौर्य सम्राट चल रहा था, उसी समय दक्षिण भारत में कुछ क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हो चुका था। क्लियर है। तो एक साथ तो हम लोग पढ़ नहीं सकते थे। जहां तक लिंक करने का कोशिश मैं किया था मौर्य पढ़ाते वक्त, उसके बाद गुप्त, गुप्त के बाद फिर आपका क्या, गुप्तोत्तर का। तो जहां जहां लिंक कर सकता था दक्षिण भारत, वहां वहां मैंने करके बताया। ओके, तो जब ऊपर में उत्तर भारत में मौर्य साम्राज्य, मौर्य काल चल रहा था, उसी समय दक्षिण भारत में कुछ क्षेत्रीय राजवंश शासन कर रहे थे। उन्हीं राजवंशों को आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। क्लियर है। तो दक्षिण भारत का जो इतिहास है वो हम लोग प्रारंभ कहां से करते हैं, तो संगम युग से। कहां से प्रारंभ करते हैं, संगम युग से। और इसी संगम युग में हम लोग तीन प्रमुख राजवंशों को पढ़ते हैं जो दक्षिण भारत में राज करते थे। क्लियर है। एक चेर, एक चोल, और एक आपका तीसरा क्या, पांडे। इन्हीं तीन राजवंशों को हम लोग आज देखेंगे। ओके, इन्हीं का काल कहलाता है क्या, आपका संगम काल या फिर आपका संगम युग। ओके, तो हेडिंग डाल लीजिए संगम युग। संगम युग। ओके, संगम युग या संगम काल, है ना। तो पहले इसको जरा समझते हैं कि संगम होता क्या है ना। तो इस पूरे टाइम पीरियड को संगम युग या संगम काल क्यों कहा गया, है ना। तो इनका जो समय था, ये जो पूरा युग था, ये था आपका तमिल कवियों का। किसका था, तमिल कवियों का। तमिल कवियों का बोलबाला था, है ना। और इस समय तीन राजवंश शासन कर रहे थे अलग अलग क्षेत्रों पे, चेर, चोल और पांड्य। क्लियर है। तो चेर, चोल और पांड्य, ये तीन राजवंशों ने, है ना, इन्हीं के समय में तमिल कवियों के सम्मेलन का आयोजन करवाया। ओके, तो तमिल कवियों का जो सम्मेलन हुआ किसी एक क्षेत्र विशेष में, उसी को कहा गया क्या, आपका संगम। क्या कहा गया, संगम। पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये माना जाता है कि ये जो चेर, चोल और पांड्य हैं,
ये तीनों एक क्षेत्र में आकर मिलते थे और उस क्षेत्र का नाम था क्या आपका, उरैयुर। क्या नाम था? उरैयुर। ये तीनों राजवंश आपस में उरैयुर नामक जगह पर आकर मिलते थे तो इनका संगम होता था। क्लियर है? इसीलिए इस पूरे टाइम पीरियड को क्या कहा गया आपका, संगम युग। खासकर जो बेस मुख्य कारण माना जाता है वो तमिल कवियों का सम्मेलन माना जाता है। जैसे कि बौद्ध धर्म जब हम लोग पढ़ रहे थे तो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात है ना, उनके उपदेशों का संकलन करने के लिए क्या किया गया था, संगीति है ना, उनके अनुयायी क्या किया था, सम्मेलन। तो वैसे ही तमिल कवियों का यहाँ पे क्या हुआ आपका, सम्मेलन हुआ। तो उन्हीं तमिल कवियों के सम्मेलन को हमने क्या कहा आपका, संगम। क्लियर है? याद रहेगा? चलो देखते हैं। तो संगम युग में मुख्य तौर पे हम लोग कितने राजवंश को पढ़ते हैं, तो तीन राजवंश। एक देखेंगे किसको, चेर चेर वंश, चोल वंश और तीसरा पांड्य वंश। ओके, पांड्य वंश है ना। तो इन्हीं के समय में तमिल कवियों का सम्मेलन हुआ था, समागम हुआ था। क्लियर है? इनका पहले लोकेशन देख लेते हैं है ना। तो कावेरी नदी, और कावेरी नदी के ऊपर में कौन सी मुख्य नदी बहती है आपकी, कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी का जो दक्षिणी हिस्सा है ओके, उन्हीं पूरे क्षेत्र को क्या बोला जाता है, तमिल क्षेत्र बोला जाता है। क्लियर है? तो देखो ये आपका दक्षिण भारत है, और यहां से आपका क्या, ये श्रीलंका, ये है केरल ओके, ये तमिलनाडु, और इसी के ऊपर से जाओगे तो ये है आपका कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक, सॉरी आंध्र प्रदेश है। ये केरल, तमिलनाडु और ये आपका आंध्र प्रदेश। ठीक, यहां से एक नदी बहती है कर्नाटक में पश्चिमी घाट के पर्वत से, दक्षिणी सह्याद्री पर्वत से, भूगोल में पढ़ा चुका हूं। ये आपका कावेरी नदी, कौन सी नदी, कावेरी नदी ओके, कावेरी नदी। ठीक, और केरल में एक नदी बहती है आपकी पेरियार नदी, और यहां से एक नदी बहती है आपकी ताम्रपर्णी। ये सब भूगोल में मैं पढ़ा चुका हूं है ना। तो केरल में ये पेरियार नदी ओके, और पेरियार नदी और ये ताम्रपर्णी के बीच वाला जो क्षेत्र है केरल में, यहां पर जो राजवंश शासन कर रहा था वो था आपका चेर वंश। कौन सा वंश? चेर वंश। क्लियर? और ये ताम्रपर्णी से लेके ये कावेरी नदी तक वाला जो एरिया है ओके, यहां पर जो राजवंश शासन कर रहा था, यहां पर लिखता हूं मैं, ये था आपका पांड्य। कौन सा वंश? पांड्य वंश, तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से में। और ये आपका कावेरी नदी का ऊपरी हिस्सा तमिलनाडु में, और यहां से एक नदी बहती है, याद करो बताया था मैं, पेन्नार नदी। कौन सी नदी? पेन्नार नदी। ये कावेरी नदी, ये पेरियार नदी और ये आपका ताम्रपर्णी है ना। तो आंध्र प्रदेश और ये आपका तमिलनाडु, यानी कि कावेरी नदी से लेके पेन्नार नदी तक का जो एरिया है, यहां पे शासन किसका था? तो आपका चोल वंश का। किसका? ये प्रारंभिक चोल है ना, 6वीं 7वीं शताब्दी से बाद में एक और चोल आएंगे, शाही चोल जिसको बोलते हैं, वो बाद में देखेंगे हम लोग। ये है आपका प्रारंभिक चोल वंश ओके। तो इन्हीं तीन राजवंशों को पढ़ना है। केरल में कौन थे? चेर। तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से में कावेरी नदी के दक्षिणी हिस्से में कौन थे आपके? पांड्य। और कावेरी नदी के ऊपर से लेके तमिलनाडु का उत्तरी हिस्सा और आंध्र प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा पेन्नार नदी के नीचे से, यहां पे कौन शासन कर रहा था? तो चोल वंश। कौन शासन कर रहा था? चोल वंश ओके। यहां तक क्लियर है? चेर वंशों का, अब देखो शासन कर रहे हैं तो सबका अपना अलग अलग झंडा होगा और उस झंडे में सिंबल होते थे, तो उन सिंबल को भी याद करना है। चेर वंश का जो सिंबल था झंडे का, फ्लैग का, वो क्या था आपका? धनुष। क्या था? धनुष। ठीक, पांड्य वंश के झंडों का जो सिंबल था वो था आपका कार्प। क्या था? कार्प, एक प्रकार की मछली थी कार्प ओके। और चोल वंश के फ्लैग का जो सिंबल था
वो था आपका बाघ टाइगर, ओके इसको याद रखोगे क्लियर। चेर वंश की जो राजधानी थी वो थी आपका वंजी, केरल में आता है वंजी, ओके या फिर इसी को करयूर भी बोला गया, क्या बोला गया करयूर, ठीक करयूर। और पांड्यों की जो राजधानी थी वो थी आपका मदुरई, क्या थी मदुरई, तो पांड्य वंश की राजधानी क्या थी आपका मदुरई, ओके। चोलों की जो राजधानी थी वो आपका, दो राजधानी याद रखना ना, एक कावेरी नदी के तट पे उरैयूर, क्या उरैयूर, बाद में राजधानी बना क्या आपका तंजौर, क्या बना तंजौर, क्लियर है। एक शासक आएगा यहां पे, एक और नई राजधानी बनाएगा, तो फिलहाल अभी याद रख लो किसको, तंजावुर को यानी कि तंजौर को। तो चोल वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी आपका तंजौर या फिर तंजावुर, ओके। तो चेर वंश की राजधानी वंजी, पांड्य वंश की राजधानी मदुरई, चोल वंश की राजधानी तंजौर, इतना याद रहेगा, ओके चलो। अब बात करते हैं संगम की, तो इसको संगम युग इसलिए बोला गया क्योंकि तमिल कवियों का यहां पे क्या हुआ था, संगम हुआ था, सम्मेलन हुआ था। तो यह सम्मेलन का आयोजन कौन करवाएगा, क्लियर है। तो ये जो तीन वंश थे है ना, अभी ऊपर में चल रहे ना मौर्य वगैरह, मौर्यों का शासन चल रहा है, उसी समय इधर ये तीन राजवंश उदित होंगे, ओके। तो तमिल कवियों के सम्मेलन में जो सबसे ज्यादा रुचि दिखाया वो थे कौन आपका पांड्य वंश, कौन थे पांड्य वंश। पूरे संगम युग में तीन तमिल कवियों का सम्मेलन हुआ है, कितना तीन, और वो तीनों के तीनों सम्मेलन कौन करवाया, तो आपका पांड्य वंश के शासक, कौन करवाया पांड्य वंश के शासक, क्लियर है याद रहेगा। तो देखेंगे पांड्य वंश के शासकों ने तमिल कवियों को संरक्षण दिया और उन्हीं के संरक्षण में कितना सम्मेलन हुआ तमिल कवियों का, तो तीन, ओके। तो पहला संगम, दूसरा संगम और यह आपका तीसरा संगम, ठीक। तो तीनों के तीनों कौन करवाएगा, तो पांड्य वंश के शासक है ना, सबसे ज्यादा रुचि इन्होंने ही ली थी। तो पहला जो तमिल सम्मेलन, तमिल कवियों का सम्मेलन हुआ वो होगा पांड्यों की राजधानी मदुरई में, क्लियर, कहां होगा मदुरई में। दूसरा होगा, ये भी तमिलनाडु में आता है ना, अलवय, कहां तमिलनाडु में अलवय, इसको कपाटपुरम कहते हैं, क्या कहते हैं कपाटपुरम, कपाटपुरम, क्लियर। तीसरा जो संगम है वो फिर से कहां हुआ आपका मदुरई में, कहां हुआ मदुरई में, क्लियर। तो तीन सम्मेलन, पहला मदुरई में, दूसरा अलवय में, तीसरा फिर कहां पे मदुरई में, कौन करवा रहा है, तो पांड्य वंश के शासक, ओके। अब तमिल कवि है ना, कवियों का काम क्या है, कविता लिखना, कविता की रचना करना, तो इन्हीं शासकों के यहां बैठ कर ये क्या करते थे, कविता लिखते थे, ओके। तो अब सीधी सी बात है, अध्यक्ष भी होंगे है ना, जब सम्मेलन होगा तो कोई ना कोई तो अध्यक्षता करेगा ना, ओके। तो पहले तमिल कवि जो सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे, तो आपका ऋषि अगस्त है ना, किसी किसी किताबों में अगस्त भी लिखा रहता है, अधिकतर किताबों में ऋषि अगस्त, महर्षि अगस्त लिखा है। तो पहले सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे, तो महर्षि अगस्त, ठीक। इन्हीं को अगत्तियार भी कहा गया, अगत्तियार, ओके क्या कहा गया अगत्तियार। दूसरा जो सम्मेलन हुआ उसकी भी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो महर्षि अगस्त, ओके। लेकिन दूसरा जो सम्मेलन हुआ इसमें दो लोग अध्यक्षता किए ना, पहले कौन किए, तो महर्षि अगस्त, ओके। उसके बाद इसी दूसरे सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले इन्हीं के सबसे प्रिय शिष्य थे, उनका नाम था आपका तोला कापियर, क्या नाम था तोला कापियर, ओके। तो तोला कापियर को दूसरे तमिल सम्मेलन का संचालक माना गया, अगर ऐसा पूछा कि दूसरे तमिल संगम का अध्यक्षता किसने किया, तो महर्षि अगस्त लगाओगे, क्लियर है। लेकिन यदि ऑप्शन में महर्षि अगस्त नहीं है, तोला कापियर है, तो लगाओगे किसको, तोला कापियर को, क्लियर है। तो दूसरे संगम का अध्यक्षता किसने, महर्षि अगस्त ने, उसके बाद फिर सेकंड में किसने किया आपका, इसी समय में तोला कापियर ने, तोला क
कापियर, क्लियर है, तोला कापियर, इनके सबसे प्रिय शिष्य थे वो, है ना। तीसरे संगम का आयोजन भी पांडव वंश के शासक कराएंगे और इसकी भी जो अध्यक्षता थी वो किया किसने, किसने तो नक्कीरथ ने, किसने नक्कीरथ। तो पहले सम्मेलन की अध्यक्षता महर्षि अगस्त, दूसरे सम्मेलन की भी अध्यक्षता महर्षि अगस्त, उसके बाद फिर किसने किया तो तोला कापियर ने जो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। तीसरे संगम की अध्यक्षता किसने की तो नक्कीरथ, क्लियर है। ये जो तोला कापियर है ना, इसकी ही रचना है क्या आपका तोला कापियम, याद रहेगा नाम से स्पष्ट है। तो याद रखना तोला कापियम किसकी रचना है, ये भी तमिल साहित्य है। तोला कापियम किसकी रचना है तो तोला कापियर की, याद रहेगा, ओके। अब बात करते हैं महर्षि अगस्त की, है ना। ऐसा कहा जाता है, प्रश्न है आया हुआ है ना, ऐसा कहा जाता है कि देवताओं के कहने पर जब वैदिक युग चल रहा था, ओके, उसी समय हमारे यहां वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, इन सभी की रचना हुई है। तो ब्राह्मण ग्रंथ में भी इन क्षेत्रों के राजवंशों का उल्लेख है, आगे बताऊंगा तुम्हें। तो देवताओं के कहने पे महर्षि अगस्त जो थे वो दक्षिण आए, क्यों आए, उसके पीछे कारण है। उत्तर भारत में आर्यों की जो प्रमुख नदी थी वो कौन आपका गंगा, बाद में बना है ना, तो गंगा उनकी पवित्र नदी थी, गंगा को बहुत मानते थे, भागीरथी उसको धरती पे लेके आए ना, ऐसा कहते हैं, क्लियर है। तो उत्तर भारत के लोगों के लिए जीवनदायिनी काम कर रही थी कौन आपका, तो गंगम नदी। दक्षिण भारत के लोगों के लिए वैसी नदी नहीं थी ना, ओके। तो देवताओं के कहने पे महर्षि अगस्त कहां गए, दक्षिण गए, दक्षिण क्षेत्र की ओर गए, और दक्षिण क्षेत्र में जाके आर्यों की संस्कृति, है ना, वैदिक धर्म का क्या क्या उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो प्रश्न पूछा है कि दक्षिण भारत में आर्यों के वैदिक धर्म का या फिर वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया, तो महर्षि अगस्त ने, याद रहेगा, ओके। तो अब इधर की जो भाषा थी वो अलग थी, आर्यों की भाषा अलग थी, आर्यों की भाषा संस्कृत थी, इधर के लोग संस्कृत नहीं जानते थे, ओके। तो इधर के लोग जानते थे तमिल, अभी बताया कृष्णा नदी के जो निचला वाला हिस्सा है ऊपर से जाएगी कृष्णा नदी, इधर का पूरा क्षेत्र उस समय क्या कहलाता था, तमिल क्षेत्र। तो यहां के लोगों की भाषा क्या थी, तमिल। तो महर्षि अगस्त तो संस्कृत जानते थे, तमिल उनको आती नहीं थी। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान शंकर ने महर्षि अगस्त को क्या दिया, तमिल भाषा की शिक्षा दी, और तमिल सीख कर वो यहां पर क्या किए, यहां के लोगों के साथ रहे, और इतना ज्यादा उनका वर्चस्व हो चुका था तमिल कवियों के बीच में, इसीलिए इनको पहले संगम का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, किसको, महर्षि अगस्त को, याद रहेगा, क्लियर है। तो महर्षि अगस्त जब दक्षिण आए तो यहां पे नदी नहीं थी, तो महर्षि अगस्त के कहने पे ही ब्रह्मा जी ने कावेरी नदी को भेजा कहां, दक्षिण, और वो बहने लगी कहां पे, दक्षिण भारत में, ऐसा कहते हैं, क्लियर है, ठीक। तो महर्षि अगस्त आए, तमिल सीखे, भगवान शंकर ने उनको तमिल भाषा की शिक्षा दी और वो तमिल कवि बने, तमिल कविताओं की रचना की। तो तमिल कवियों के बीच में इनका बहुत ज्यादा महत्व था, इसी कारण से पहले संगम का अध्यक्ष किसको बनाया, तो महर्षि अगस्त, याद रहेगा, क्लियर है। तो इतना याद रखना किसमें, संगम साहित्य, ओके। साथ ही साथ इसके अलावा कुछ और भी तमिल साहित्य हैं जिनकी रचना इन संगम युग में हुई है, उनको देखते हैं, ओके। तो कौन कौन से तमिल साहित्य थे उसको याद रखिएगा, तमिल साहित्य। तो एक तमिल साहित्य का नाम याद रखना, सिलप्पाधिकारम, सिलप्पाधिकारम। दूसरा याद रखना मणिमेखलय, और तीसरा याद रखना जीवक चिंतामणि। तो सिलप्पाधिकारम के जो रचनाकार हैं उसका नाम है इलांगो आदिगल, ओके। मणिमेखलय का जो रचनाकार है उसका नाम है शीत तलय सप्तनाथ, शीत तलय
सत्यनाथ, ओके। और जीवक चिंतामणि का जो रचनाकार है उसका नाम है तिरुतक्कदेवर, 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 ओके। तो ये संगम युग के दौरान रचे गए आपके तमिल साहित्य है, सिलप्पाधिकारम, मणिमेखलय और आपका जीवक चिंतामणि, ठीक। सिलप्पाधिकारम का जो रचनाकार है वो कौन है, इलांगोवादिकल। मणिमेखलय का रचनाकार कौन है, शीतलय सत्यनाथ। और जीवक चिंतामणि का रचनाकार कौन है, तिरुतक्कदेवर। इसको देखते हैं, इलांगो आदिगल, इलांगो आदिगल जो है वो चेर वंश के शासक सेन गुट्टुवन का भाई है ना, ओके। अब चेर वंश का जो शासक था सेन गुट्टुवन है ना, वो तो राजा है, और इसका जो भाई था वो तो बहुत बड़ा विद्वान कवि भी था, तो राजपाट लड़ाई झगड़ा शासन वासन में उसको इंटरेस्ट नहीं था ना, तो वो कविता लिखता था और लिख डाला ना क्या आपका तमिल साहित्य सिलप्पाधिकारम, ओके। तो इसी का रचनाकार कौन है, इलांगो आदिकल, जो चेर वंश के शासक सेन गुट्टुवन का भाई है, क्लियर। अब इलांगो आदिकल ने जो सिलप्पाधिकारम लिखा है उसमें क्या है, देखो जो तमिल साहित्य लिखा गया है ना वो दो पार्ट में लिखा गया है, दो भागों में विभाजित है ना, तो तमिल साहित्य दो भागों में विभाजित है, एक अगम, अगम और दूसरा आपका पुरम, अगम और पुरम। तो अगम जो है ये प्रेम गाथा से संबंधित है, किससे संबंधित है, प्रेम गाथा से, ओके। और पुरम जो है ये आपका युद्ध से संबंधित है, किससे, युद्ध गाथा से, है ना, क्लियर। अब पांड्य राजवंश के शासक क्या किए हैं, इनको संरक्षण प्रदान किए संगम के लिए, तो जब आएंगे तो सीधी सी बात है उन्हीं के राजाओं के बारे में कुछ कुछ लिखेंगे। तो यहां के जो राजा है पांड्य वंश के जो शासक हैं वो युद्ध करेंगे अपने समकालीन राजवंशों के साथ में, तो उनके युद्धों का वर्णन अपने तमिल साहित्य में किया गया जिसको क्या बोला गया, पुरम। अब युद्ध तो कर रहे हैं, साथ ही साथ हो सकता है इनका प्रेम प्रसंग भी रहा होगा किसी के साथ में, तो उसको भी लिख डाले ना किसमें, तमिल साहित्य में। तो राजाओं के जो शासक हैं है ना, इन वंशों के जो शासक हैं उनके द्वारा किए गए युद्ध उनकी प्रशंसा किसमें, पुरम नामक पुरम भाग में, और उनके किए गए प्रेम प्रसंगों का वर्णन भी इन तमिल साहित्यों में किस भाग में, तो अगम भाग, याद रहेगा। तो तमिल साहित्य दो पार्ट में बटा हुआ है, एक अगम और एक पुरम, तो अगम में उन्हीं शासकों की प्रेम गाथा का वर्णन है, क्लियर है, या उनके समकालीन उस राजवंश में किसी और पात्र को लेकर ये कहानी या कविता लिखे हैं तो उनकी प्रेम गाथाओं का वर्णन है, साथ ही साथ पुरम में उन शासकों के द्वारा किए गए युद्धों का भी वर्णन है, याद रहेगा। तो सिलप्पाधिकारम में क्या है, तो एक प्रेम गाथा है ना, तो सिलप्पाधिकारम का जो नायक है उसका नाम है आपका कोवलन, क्या नाम है, कोवलन, ओके। और कोवलन की पत्नी का नाम है कड़गी, क्या नाम है, कड़गी। तो सिलप्पाधिकारम का नायक कोवलन और उसकी पत्नी का नाम कड़गी, तो कोवलन और कड़गी के बीच में है ना कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, काहे के लिए लेकर, सीधी सी बात है पति पत्नी के बीच में विवाह काहे होता है, जब कोई तीसरा इंटरफेयर करेगा तो लव ट्रायंगल बन जाता है, क्लियर है। तो सिलप्पाधिकारम का जो नायक है कोवलन वो एक माधवी नाम की स्त्री के प्रेम जाल में फंस जाता है, ओके। और वो जो माधवी थी वो एक वैश्य थी, है ना, तो इसी को लेके कड़गी और आपका कोवलन के बीच में क्या होता है, विवाद होता है, किसको लेके, माधवी को लेके, ओके। काफी उतार चढ़ाव चढ़ता होता है, इसी के कारण ये जो पांड्य वंश का शासक है उसका नाम रहता है नेंडू जेलियन, आगे बताऊंगा अभी मैं। पांड्य वंश का शासक नेंडू जेलियन, नेंडू जेलियन क्या करता है, इसी सिलप्पाधिकारम के नायक कोवलन को फांसी दे देता है, आसमानी बोल रहा हूं, इसमें लिखा है किसने, लांगो आदिगल ने। तो सिलप्पाधिकारम का जो नायक है कोवलन उसको पांड्य वंश का एक शासक रहता है नेंडू जेलियन, वो क्या कर देता है, फांसी दे देता है, क्लियर है। अब फांसी दे दिया, मर गया बेचारा, ओके। तो कोवलन की जो पत्नी थी कड़गी वो क्या करती है, राज दरबार में जाती है किसके, नेंडू जेलियन के, और अपने पति को निर्दोष साबित कर देती है, क्लियर है। जब निर्दोष साबित होता है कौन, कोवलन, लेकिन वो तो मर गया, कहानी खत्म हो गई इसकी। तो जब निर्दोष साबित होता है कौन, तो कोवलन, किसने किया, तो उसकी पत्नी कड़गी ने। तो आत्मग्लानि से भर जाता है कौन, आपका पांड्य वंश का शासक नेंडू जेलियन। और जब उसको गिल्टी फील होता है, आत्मग्लानि होती है, तो सिंहासन में बैठे बैठे उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, किसकी, नेंडू जेलियन की, ओके। अब कड़गी क्या करती है,
रुष्ट होके चले जाती है कहां, पश्चिमी घाट के पर्वत को पार करते हुए पहुंच जाती है कहां, केरल, चेर वंश के साम्राज्य में चली जाती है और वही बात में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इतना कहानी बताया है किसमें, सिलप्पादी कर्म, ओके, किसने बताया, इलांगुआदी कर्म, क्लियर है। उसके बाद एक साहित्य है कौन, मणिमेखला, जिसका रचनाकार हो कौन है, शिवकलय सत्यनाथ, क्लियर। तो जहां पे सिलप्पादी कर्म की कहानी खत्म होती है वहीं से शुरू होती है मणिमेखला की कहानी, क्लियर, माधवी को लेके, ओके। तो माधवी जो वैश्या थी वो आपका उसकी पुत्री थी, है ना, इसी क्षेत्र में रह रही है वो, उसकी पुत्री थी। अब चूंकि एक वैश्या की पुत्री होने के कारण जीवन भर उसको अपमान मिला ना, ओके, जीवन भर उसको अपमान मिला, तो पूरे अपने जीवन काल में अपमान को झेलते झेलते वो जीना, अपने जीवन के अंतिम समय में वो क्या कर लेती है, बौद्ध धर्म को ग्रहण करके बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। इतना बताया है किसमें, मणि मेखले में, याद रहेगा, ओके। उसके बाद है अगला तमिल साहित्य कौन, जीवक चिंतामणि, जिसके रचनाकार कौन है आपका, तिरुतक देवल। तो जीवक चिंतामणि ऐसा बताया कि यह चोल शासक था, कौन था, चोल शासक, चोल राजकुमार था। तो जीवक चिंतामणि में यह बताया गया है कि चोल राजकुमार है और वो 8 स्त्रियों के साथ क्या करता है, विवाह करता है, 8 पत्नियां थी उसकी और उन्हीं 8 पत्नियों के साथ वो अपना जीवन यापन करता है, बढ़िया सुख भोगता है और अपने जीवन के अंतिम समय में वो क्या कर लेता है, जैन धर्म को ग्रहण कर लेता है, क्लियर है। इतना बताया गया है और भी है, शॉर्ट में बता रहा हूं, किसमें बताया गया है, जीवक चिंतामणि में, उसके रचनाकार कौन है आपका, तिरुतक देवल, याद रहेगा इतना, ठीक है। जो कहानी बता रहा हूं ना वो पेपर में नहीं आएगा, पेपर में क्या आएगा, ये आएगा, ओके। सिलप्पादी कारम के रचनाकार कौन है, इलांगुआदी कारम, मणिमेखला के रचनाकार कौन है आपका, शिवतलय सत्यनाथ, ओके। जीवक चिंतामणि किसने लिखा, तो तिरुतक देवल ने। बोल देगा सिलप्पादी कारम क्या है, तो तमिल साहित्य है, क्लियर है, याद रहेगा। और एक तमिल साहित्य याद रखना बहुत ज्यादा फेमस है, नाम है उसका कुरल, क्या नाम है, कुरल, ओके, कुरल। कुरल के रचनाकार जो है वो है तिरुवल्लूर, कौन, तिरुवल्लूर, तिरुवल्लूर, ठीक। कुरल क्या है, तमिल साहित्य, उसके रचनाकार कौन है, तिरुवल्लूर। कुरल को तमिल साहित्य का बाइबल भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तमिल साहित्य का बाइबल। और ऐसा कहते हैं किंवदंती है, मैं बोल रहा हूं किंवदंती है, कथा कहानी है कि ये जो तिरुवल्लूर है ये भगवान ब्रह्मा के, है ना, परम पिता परमेश्वर कौन, भगवान ब्रह्मा, उनके पुत्र थे, ऐसा बोलते हैं, किंवदंती है, है ना, कथा कहानी स्थानीय लोगों द्वारा फैला गया, ओके। तो कुरल तमिल साहित्य है, कुरल के रचनाकार कौन आपका, तिरुवल्लूर। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा के क्या थे, किंवदंतियों के अनुसार भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे, कौन, तिरुवल्लूर, क्लियर है, बन जाएगा इतना। इतना याद रखना किसमें, संगम युग में रचे गए तमिल साहित्य, बन जाएगा, नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट करो इसका। तो सबसे पहले देखते हैं किसको, चेयर वंश, डालो हेडिंग, चेयर वंश, चेयर वंश, है ना। तो चेयर वंश के बारे में जानकारी हमको कहां से मिलती, पहले तो याद रखना इनका जो झंडा था उस झंडे में जो सिंबल था वो क्या था आपका, तो धनुष, और इनकी राजधानी क्या थी, वंजी, या फिर इसी को करयूर भी बोला गया, ओके, याद रहेगा, चलो करयूर। तो चेर वंश का जो संस्थापक था, अच्छा पहले जानकारी देखते हैं कि चेर वंश के बारे में हमको जानकारी कहां से मिलती। तो सबसे पहले शुरू में बताया कि वैदिक काल में, यदि वैदिक काल के अंतर्गत ही महाकाव्य काल को ले, तो हमारा महाकाव्य है क्या आपका, एक रामायण, क्या है, रामायण। तो रामायण काल से ही चेर वंश का, है ना, यहाँ के क्षेत्रीय लोग जो थे वो एक वंश की स्थापना करते हैं और धीरे धीरे चेर वंश क्या होता है, बढ़ता है। तो रामायण में चेर वंश की जानकारी है, ओके।
रामायण के साथ साथ ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में भी इसका वर्णन है जो उत्तर वैदिक काल में लिखा गया, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। मतलब सब कुछ पैरेलल चल रहा है ना, ऊपर में आपका उत्तर वैदिक काल चल रहा है, यहां पे चेरवंश का उद्भव हो चुका है, ओके, तभी तो लिखे हैं, ओके। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के बाद में सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी इनका वर्णन है, अशोक के शिलालेख में, क्लियर। साथ ही साथ जब गुप्त काल चलता है ना, तो गुप्त साम्राज्य में आपका एक शासक था महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध शासक, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में कौन थे, तो नवरत्न थे। और उन्हीं नवरत्नों में जो सबसे प्रसिद्ध नवरत्न थे, है ना, वो कौन थे आपका, तो महाकवि कालिदास, जो संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे, ओके। तो कालिदास की जो रचना है रघुवंशम, रघुवंशम में भी उल्लेख है ना किसका, चेर वंशों का। तो याद करो, है ना, थोड़ा बहुत रामायण वगैरह देखे होगे टीवी सीरियल में या पढ़े भी होगे। तो जब भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण जी सहित कहां आते हैं, नीचे की ओर आते हैं, है ना, तो एक निषाद राज रहता है, वो उनको नदी पार करवाता है। थोड़ा बहुत ये देखे होगे टीवी सीरियल तो पता होगा, ओके। तो रामायण में इनको निषाद राज के वंशज माना गया, निषाद राज के वंशज, ओके। अरे नौकम बैठा नदिया पार कराता है ना, ठीक है, निषाद राज के वंशज बताया गया है किनको, चेर वंश को, किसके किसमें, तो रामायण में। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में इनको चेरपाद कहा गया है, क्या कहा गया है, चेरपाद। सम्राट अशोक के शिलालेख में इन्हें केरल पुत्र कहा गया है, क्या कहा गया है, केरल पुत्र। मतलब इनके समय से इस वंश का अस्तित्व था और इनके बारे में उल्लेख इन सभी चीजों में किया गया, याद रहेगा, ओके। चलो तो ये तो जानकारी हो गया, अब बात करते हैं शासकों की, ठीक। शासक, तो शासक है उदयन जेरल, ओके। चेर वंश का शासक कौन, उदयन जेरल, है ना। ऐसा कहते हैं कि इसके पास, देखो मैं बोलते जा रहा हूं, आप लोग नोट करते जाइएगा, है ना। ऐसा कहते हैं कि उदयन जेरल के पास एक बहुत बड़ा भोजशाला था, क्या था भोजशाला, जहां, अरे खाना खाने वाला जगह, बहुत बड़ा भोजशाला था जहां पे लोगों क्या कराता था, ये खाना खिलवाता था। इसीलिए आपका उदयन जेरल महाभोज की उपाधि धारण करता है। और किंवदंती है कि जब महाभारत हो रहा था, कहां हुआ महाभारत, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, तो जब महाभारत हो रहा था तो वहां के बिना भेदभाव किए इसने ना कौरव ना पांडव देखा, उन सभी पक्षों के, कौरवों के पक्षों के भी और पांडवों के पक्षों के सेना को क्या किया, ये खाना खिलवाया, कहां पे आपका, तो अपने महाभोज में। अब ज्यादा दिमाग मत लगाना कि कैसे हरियाणा से इधर केरल आ जाएंगे, किंवदंती है, जैसा बोल रहा हूं वैसा चुपचाप याद करो। तो उदयन जेरल के दरबार में, यानी कि साम्राज्य में, इसके पास क्या था, बहुत बड़ा महाभोज था। तो उसी महाभोज में इसने क्या किया, महाभारत में भाग लेने वाले दोनों पक्षों के सैनिकों को इसने क्या करवाया था, भोजन करवाया था। इसीलिए उदयन जेरल महाभोज की उपाधि है, क्या करता है, धारण करता है, याद रहेगा, क्लियर। उसके बाद जो शासक आता है सेन गुट्टू वन, इसका नाम याद रखोगे, अभी थोड़ी देर पहले बोला, इसी का भाई था ना कौन, इलांगो आदिगल, जिसने लिखा क्या आपका सिलप्पा अधिकारम, ओके। तो सेन गुट्टू वन शासक है अगला कौन, चेर वंश का, ठीक। सेन गुट्टू वन ने पत्नी संप्रदाय की स्थापना की और इसी ने पत्नी पूजा का क्या करवाया, आरंभ करवाया, ओके। शुरुआत किसने किया था, तो चेर वंश के शासक सेन गुट्टू वन ने। बाद में इसी पत्नी पूजा को पांडे वंश के शासक भी अपनाएंगे और चोल वंश के शासक भी अपनाएंगे, क्लियर है। तो याद रखना, पत्नी पूजा या पत्नी संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो आपका सेन गुट्टू वन ने, क्लियर है, ओके। देखो कन्याओं की एक अवस्था होती है, सबको पता है, जिसमें वो सबसे पवित्र मानी जाती है, फिर उसके बाद एक उम्र के बाद, है ना, तो उसी उम्र में इनकी क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी, ओके। और पत्नी संप्रदाय में उन्हीं उम्र की कन्याओं की क्या की जाती थी, मूर्ति बनाई जाती थी और उनकी पूजा की जाती थी, उन्हें कहा जाता था कौमार्य देवी,
क्या कहा जाता था, कौमार्य देवी। तो पत्नी संप्रदाय में कौमार्य देवी की मूर्ति बनाकर क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी। ऐसा कहते हैं शिलप्पादिकारम से जानकारी मिलती है कि कम उम्र में इनका क्या हो जाता था, स्त्रियों का विवाह हो जाता था। क्लियर है? तो उससे पहले इनकी क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी। तो पत्नी संप्रदाय की स्थापना किसने की, हुसैन गुट्टूवन ने। वहां पर कौमार्य देवी की मूर्ति बनाकर क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी। बाद में इसी पत्नी संप्रदाय में पत्नी पूजा किसने अपनाया, तो पांड्य वंश के शासक और चोल वंश के शासक, याद रहेगा। इसका जो दरबारी कवि था, किसका, सेन गुट्टूवन का, उसका नाम था आपका प्रणर। क्या नाम था, प्रणर। ओके, सेन गुट्टूवन का दरबारी कवि कौन था, प्रणर। तो प्रणर से ही हमको जानकारी मिलती है कि इसके पास एक विशाल नौसेना थी। क्या थी, नौसेना, नेवी समझ लो। तो सेन गुट्टूवन के पास एक बहुत बड़ी विशाल सेना थी और इसी सेना के दम पे इसने 9 चोल शासकों को क्या किया था, पराजित किया था। ओके, तो याद रखना सेन गुट्टूवन ने 9 चोल शासकों को क्या किया था, पराजित किया था। क्लियर है? किसने, सेन गुट्टूवन ने। क्लियर है? क्यों, क्योंकि चोलों की, देखो बाद में जो शाही चोल आएंगे उनकी नौसेना सबसे ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन ये प्रारंभिक चोल है, ये स्थानीय चोल है। इनसे पहले चेर वंश के शासक सेन गुट्टूवन के वन के पास में क्या थी, एक बहुत बड़ी नौसेना थी, जिसके दम पे इसने चोल शासकों को क्या किया था, पराजित किया था। ऐसा कौन बोल रहा है आपका, प्रणर। क्लियर है? ठीक। साथ ही साथ इसी ने, है ना, गंगा नदी को पार किया था। ओके, यानी कि उत्तर क्षेत्र में आक्रमण करने वाला पहला दक्षिण भारत का जो शासक है वो कौन है, सेन गुट्टूवन, और गंगा नदी को पार किया ना। क्लियर है? उत्तर भारत में चढ़ाई करके गंगा नदी को पार करने वाला दक्षिण भारत का पहला शासक कौन है, तो सेन गुट्टूवन, याद रहेगा इतना। क्लियर है? चलो, उसके बाद में अगला जो शासक है वो है पेरुन जेरल इरमपुरई। पेरुन जेरल इरमपुरई, इसमें कुछ खास नहीं है, इसने दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत की। ओके, तो याद रखना दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत किसने की, तो पेरुन जेरल इरमपुरई। ओके, इतना याद रखोगे किसमें, चेर वंश के शासक बन जाएगा। ठीक, चलो, चेर वंश के बाद में आते हैं किसमें, तो चोल वंश में, चोल वंश। ठीक, तो चोलों के बारे में जानकारी, प्रारंभिक चोलों के बारे में जानकारी महर्षि कात्यायन के लेख से मिलती है। ओके, याद रहेगा प्रारंभिक चोलों के बारे में जानकारी हमको कहां से मिलती है, महर्षि कात्यायन के लेख से। ओके, ठीक। चोल वंश के जो शासक थे, है ना, उसका नाम याद रखना इलंजेत चिन्नी। क्लियर, इलंजेत चिन्नी, ऐसा कुछ खास नहीं है, बस इतना याद रखना ये जो शासक था ये अपने सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था, सुंदर रथों के लिए। अपने रथ को जब निकलता था ना दरबार से, है ना, बाहर कहीं भी जाता था तो रथ में जाएगा राजा, है सीधी सी बात है, तो एकदम सजा धजा रथ रहता था ना इसका, इतना सुंदर कि कोई भी देख के मोहित हो जाता था उस रथ को। ओके, तो अपने सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध था कौन आपका, इलंजेत चिन्नी, बस इतना याद रखना चाहिए। ओके, इसके बाद जो चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था वो था आपका कौन, करिकल। कौन, करिकल, करिकल। ठीक, तो करिकल का जो अर्थ होता है वो होता है आपका जले पैर वाला, है ना, प्रारंभ में, है ना, इसको सब जले पैर वाला कहके कहते थे। फिर जब ये राजा बना तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बोल सके उसको जले पैर वाला,
तो उसी के नाम पे उसका नामकरण कर दिया ना, क्या आपका जले पैर वाला मतलब क्या करीकल। ओके, तो करीकल सबसे प्रसिद्ध शासक था। इलंजे चेन्नी की जो राजधानी थी वो थी उरैयूर। क्या थी? उरैयूर। चेरो की राजधानी करयूर बोल रहा हूं केरल में है, और इलंजेट की जो राजधानी थी चोल वंश की वो कावेरी नदी के तट पे था ना, क्या आपका उरैयूर। क्या? उरैयूर। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय जो उरैयूर था वो प्रसिद्ध था किसके लिए? व्यापार के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध था? व्यापार के लिए। कपास के व्यापार के लिए सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र दक्षिण में कौन था आपका? उरैयूर, जो कावेरी नदी के तट पे था। ओके, तमिलनाडु में। उसी को इसने क्या बनाया था? राजधानी बनाया था इलंजे चेन्नी ने। ओके, उसके बाद देखो करिकल जब शासक बनता है तो ये राजधानी को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। तो करिकल ने उरैयूर के बदले है ना राजधानी बनाया किसको? कावेरी पट्टनम। किसको? कावेरी पट्टनम। क्लियर है? कावेरी पट्टनम, जिसको क्या बोला गया आपका? पुहार, है ना। क्या बोला गया? पुहार। तो करिकल ने पुहार नामक शहर बसाया, यानी कि कावेरी पट्टनम नामक क्या बसाया? शहर बसाया, और उसी को अपनी राजधानी बनाई। ये आपका तमिलनाडु में कावेरी पट्टनम, कावेरी नदी के किनारे। क्लियर है? कहा जाता है कि करिकल ने श्रीलंका पे आक्रमण किया। कहां आक्रमण किया? श्रीलंका पे। और श्रीलंका में जब आक्रमण किया तो वहां से 1200 बंदे ना 1200 12 से 1200 बंदों को बंदी बनाकर क्या किया? अपने क्षेत्र में लेके आया। कहां पे? कावेरी पट्टनम पे। और बाद में उन्हीं 1200 बंदियों से क्या किया? ये बांध का निर्माण करवाया। क्या करवाया? बांध का निर्माण। तो कावेरी नदी में बांध बनवाया इसने। सिंचाई का पहला साधन था दक्षिण भारत में ना, किसके द्वारा किया गया? तो करिकल के द्वारा। दक्षिण भारत में सिंचाई का पहला प्रयास है ना, सिंचाई के साधन के लिए पहला प्रयास किसने किया? करिकल ने। कौन से वंश का शासक था? तो चोल वंश का शासक था। ओके, तो उन्हीं 1200 बंदियों से इसने क्या करवाया? कावेरी नदी पे। कहां पे? कावेरी नदी पे। कावेरी नदी पे इसने क्या करवाया? बांध का निर्माण करवाया। और ऐसा कहा जाता है कि वो बांध कितने किलोमीटर लंबा था? 160 किलोमीटर लंबा था। अभी भारत का सबसे जो लंबा बांध है वो आपका महानदी पे है, हीरापुर में है ना, 4.8 किलोमीटर लंबा है। तो सोचो 160 किलोमीटर लंबा कच्ची मिट्टी का था। ओके, नदियों के ये जा रहे हैं। अभी जो बांध बनता है वो नदी में ऐसा बनता है, तो इसने ऐसा नहीं बनवाया, नदी के पैरलर ही इसने क्या करवाया था? बांध का निर्माण करवाया था, इसलिए इतना लंबा हो गया। ओके, चलो उसके बाद याद रखना कि करिकल ने जंगलों में पेड़ों को कटवाया। जंगल में क्या करवाया? पेड़ों को कटवाया, और उसी क्षेत्र में कृषि की शुरुआत की। ओके, तो अपने क्षेत्र में ये कृषि को बढ़ावा देने के लिए, किसको बढ़ावा देने के लिए? कृषि को बढ़ावा देने के लिए जंगलों में पेड़ों को कटवाया, और उसी क्षेत्र में खेती करने के लिए लोगों को कहा। ओके, इतना याद रहेगा। साथ ही साथ ये वैदिक धर्म को मानने वाला था, इसलिए वैदिक यज्ञ करवाए। तो दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने वैदिक यज्ञ करवाए? तो आपका चोल वंश के शासक करिकल ने वैदिक यज्ञ करवाए। ओके, एक और पॉइंट याद रखना, इसकी बेटी थी आदि मंदी। कौन थी? आदि मंदी। और इसका दामाद यानी इसकी बेटी आदि मंदी का पति था आतन अत्ति। आतन अत्ति, तो ऐसा कहते हैं आतन अत्ति कावेरी नदी में डूब के मर गया। ओके, तो इसकी पत्नी सीधी सी बात है विधवा होगी, और जो आदि अंति थी, आदि अंति थी यानी कि इसकी बेटी किसकी? करिकल की। वो अपने सतीत्व से है ना फिर से जिंदा करवा लेती है किसको? तो आतन अत्ति को। याद रहेगा है ना, एक छोटी सी कहानी है। करिकल की बेटी कौन थी? आदि अंति, ठीक है। उसका पति कौन था? आतन अत्ति, है ना। आतन अत्ति की कावेरी नदी में डूबकर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। फिर अपने सतीत्व के माध्यम से है ना आदि मंदी क्या करती है? अपने पति को जिंदा करवाती है। क्लियर है? याद रहेगा। चलो, तो करिकल के बारे में इतना याद रखना, बन जाएगा। चलो, ये आपका क्या था? चोल वंश। ओके, चोल वंश के बाद देखेंगे किसको? पांडव वंश।
पांडवंश। ठीक, तो पांडवंश के बारे में हमको जानकारी कहां कहां से मिलती है? तो पाणिनि के अष्ट अध्याय से। ठीक, महर्षि पाणिनि के अष्ट अध्याय से। ओके, साथ ही साथ मेगस्थनीज के इंडिका से, है ना, मेगस्थनीज के इंडिका से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत आया था मेगस्थनीज, उसी ने लिखा था आपका इंडिका। मतलब सीधी सी बात है, अभी जब इन लोग शासन कर रहे हैं तो ऊपर में मौर्य वंश चल रहा है, तभी तो लिखा है इनके बारे में ना। ओके, तो मेगस्थनीज की रचना इंडिका, इंडिका में पांडवंश के बारे में जानकारी है, और मेगस्थनीज ने पांडवंश को अपनी रचना इंडिका में क्या कहा है? माबर, माबर शब्द से उल्लेखित है, है ना, संबोधित किया किसको? पांडवंश के शासकों को, याद रहे। साथ ही साथ एक और किताब है पेरिप्लस, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, है ना, ये किताब है। इसमें भी आपका पांडवंश के शासकों के बारे में क्या है? लिखा गया है ना। अब ये किताब के जो रचनाकार हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेखक अज्ञात है ना, कौन लिखा है, किसने लिखा है, कुछ नहीं पता। ओके, बस किताब मिला है और उसका नाम क्या है? पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। पेरिप्लस का मतलब होता है आपका क्या? नक्शा, मैप। ओके, और इरिथियन सी उस समय बोला जाता था किसको? लाल सागर। किसको बोला जाता था? लाल सागर को। यदि मैप एटलस क्लियर होगा तो भारत, भारत के पश्चिम में क्या है? अरब सागर। अरब सागर में लगा हुआ क्या है आपका? सऊदी अरब, अरब प्रायद्वीप। फिर अरब प्रायद्वीप के पश्चिम में क्या है? लाल सागर, है ना। फिर वहीं से ऊपर जाओगे तो सिनाय प्रायद्वीप पड़ता है। फिर सिनाय, अरे एटलस देखे हो ना, है ना, क्लियर होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ चुके हो। तो वहां से फिर आपका लाल सागर वाला एरिया को ही उस समय क्या बोला जाता था? इरिथियन सी। तो लाल सागर का नक्शा। ओके, तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में भी पांडवंश का क्या है? उल्लेख है, लेकिन लेखक क्या है इसका? अज्ञात है। ओके, तो कहते हैं इधर देखो, ये आपका जा रहा है अरब सागर, फिर ये आपका अरब प्रायद्वीप, है ना, फिर ऐसे जाएगा तो ये आपका सिनाई प्रायद्वीप, और ये अफ्रीका वाला हिस्सा। तो इसे क्या बोलते हैं जी? लाल सागर। क्या बोलते हैं इसको? लाल सागर, है ना। तो यही कहलाता था क्या आपका? इरिथियन सी। और पेरिप्लस मतलब क्या होता है आपका? नक्शा। ओके, तो यहां से और ऊपर जाओगे तो ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर में जूते के सोल जैसे आकार का क्या है आपका? इटली है, है ना, क्या है? इटली। तो इटली में, इटली की राजधानी क्या है? रोम। क्या है? रोम। तो यहां पर पहले हुआ क्या करता था क्या? रोमन एम्पायर। तो यहां के लोग ऐसे करके, है ना, ये श्रीलंका होते हुए यहां क्या करते थे? व्यापार करते थे। किनसे? पांडवंश के शासकों, मतलब पांड्य साम्राज्य, है ना। और जो पांड्य साम्राज्य था उस समय मोतियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था ना। किसके लिए? मोतियों के लिए। तो सीधी सी बात है, ऐसा कह सकते हैं कि रोमन एम्पायर यानी रोमन साम्राज्य से इन पांडवंश के शासकों का क्या था? व्यापार हुआ करता था। आगे देखेंगे अभी, क्लियर। चलो, तो पांडवंश के शासकों में एक शासक का नाम याद रखना, नेडियोन, नेडियोन। ओके, दो बार तीन बार चार बार लिखोगे याद हो जाए, ज्यादा घबराना नहीं। नेडियोन, तो नेडियोन में याद रखना, इसने समुद्र पूजा प्रारंभ करवाया था। क्या करवाया था? समुद्र पूजा। समुद्र पूजा का प्रारंभ किसने करवाया? तो पांडवंश के शासक नेडियोन ने, बन जाएगा। चलो, नेडियोन के बाद याद रखना नेंडुजेलियन, नेंडुजेलियन, नेंडुजेलियन। अभी थोड़ी देर पहले इसका उल्लेख किया था मैं, नेंडुजेलियन। तो नेंडुजेलियन पांडवंश का शासक था। ये वही शासक है जिसने सिलप्पदिकारम के नायक कोवलन को क्या किया? फांसी दे दिया। और जब पता चला कि नहीं वो निर्दोष था, उसकी पत्नी कणकी उसको क्या करती है? निर्दोष सिद्ध करती है। तो आत्मग्लानी से सिंहासन में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी? नेंडुजेलियन की। खैर, वो हमारे काम का नहीं है। ओके, हमारे काम का क्या है? तो याद रखना नेंडुजेलियन ने लड़ा था एक जबरदस्त युद्ध, है ना, घमासान युद्ध। उसका नाम है आपका तलैया लंगानम का युद्ध, तलैया लंगानम का युद्ध, तलैया लंगानम का युद्ध। ओके, ये हुआ था 290 ईस्वी में। कब हुआ था? 290 ईस्वी में। ओके, ऐसा कहा जाता है कि नेंडुजेलियन ने चेर शासक, साथ ही साथ आपका पांड्य शासक, मतलब चेर वंश और पांड्य वंश, सॉरी
चोल वंश, जेर और चोल वंश के शासकों को साथ ही साथ पांच उनके मित्र सामंत हुआ करते थे, है ना, उन सब को एक साथ हराया किसमें, तलैया लंगानम के युद्ध में, किसने, नेंडू जेलियन ने। तो नेंडू जेलियन वर्सेस चेर वंश के शासक वर्सेस चोल वंश के शासक वर्सेस पांच सामंत मिलकर लड़े थे, किसने, नेंडू जेलियन से, सबको हराया किसने, नेंडू जेलियन ने, कब, 290 ईस्वी में, कहां के युद्ध में, तलैया लंगानम के युद्ध, याद रहेगा, सबसे फेमस युद्ध है, कई बार पेपर में पूछ चुका है, ओके, याद रहेगा, नेंडू जेलियन, क्लियर। उसके बाद एक शासक है नल्लीव कोडन, नल्लीव कोडन, ओके, नल्लीव कोडन, तो नल्लीव कोडन में याद रखना, इसने रोमन सम्राट, है ना, रोमन एम्पायर का जो सम्राट था ऑगस्टस, कौन, ऑगस्टस, तो रोमन सम्राट ऑगस्टस के यहां क्या किया था, अपना राजदूत भेजा था, अभी बताया ना कि रोमन एम्पायर वालों के साथ, यानी रोम साम्राज्य से, रोम कालीन के लोगों से इनका क्या हुआ करता था, व्यापारिक संबंध था, ओके, तो रोमन सम्राट ऑगस्टस के यहां इसने क्या भेजा था, अपना राजदूत भेजा था, दूत, ओके, याद रहे, तो इतना याद रखना है किसमें, संगम युग, ओके, अगले क्लास में हम लोग शाही चोल पढ़ेंगे, है ना, क्या पढ़ेंगे, शाही चोल, तो चौथी पांचवी शताब्दी के बाद से इन स्थानीय चोलों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली, डायरेक्ट जब हम पहुंचेंगे नौवीं शताब्दी के बाद, यानी कि छठवीं सातवीं आठवीं नौवीं शताब्दी जो है, वहां पर एक, यहां से हम लोग एक शाही चोल पढ़ते हैं, शाही चोल वंश, है ना, तो उसको कल के क्लास में देखेंगे। और एक बात, पांड्य वंश के जो शासक थे, इन्होंने कभी भी किसी की आदि सत्ता, है ना, आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, हारे लेकिन उनके आधिपत्य को स्वीकार नहीं किए, कौन, पांड्य वंश, पहली शताब्दी दूसरी शताब्दी से इनका वर्चस्व चालू होता है, और लगभग लगभग 1300 ईस्वी तक ये क्या करते हैं, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, 1300 ईस्वी तक क्या किए हैं, ये शासन किए हैं, ओके, अलाउद्दीन खिलजी आएगा ना ऊपर से आक्रमण करेगा इन पे, पांड्य वंश के शासक, मदुरई को लूटा था कौन, अलाउद्दीन खिलजी, तो हारे भी हैं लेकिन अधिसत्ता, है ना, अधिपत्य किसी स्वीकार नहीं किया, कौन, पांड्य वंश वाले, इस बात को याद रखें, ओके, क्लियर है, चलो, तो नोट कर लो इसको, मिलते हैं कल के क्लास में, थैंक यू।